हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करेंगे WB क्लास 10 ज्योग्राफी। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो खेती बाड़ी की जाती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खासियत है, क्या खूबी है। तो देखिए, क्वेश्चन है हिंदुस्तानी ज़राअत की खसूसियत बयान करो। तो देखिए, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखते हैं। हिंदुस्तान एक ज़राती मुल्क है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है खेतीबाड़ी करते हैं, जिसमें मुल्क की कुल आबादी का 70% लोग ज़राअत से रोज़गार हासिल करते हैं। और हिंदुस्तान में जितनी भी आबादी है उनमें से 70% लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है ज़राअत से गुजार बसर करते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक में जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट लिखा हूँ, तो आप लोग इनमें से कम 3 या 4 या 5 याद रखना है। तो आप लोग जो पॉइंट आसान लगे तो लोग वो आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये हेडलाइन दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हिंदुस्तानी ज़राअत की खसूसियत क्या है। तो हिंदुस्तान की काश्तकारी की खसूसियत हसब झेल है, यानी हिंदुस्तानी खेती बाड़ी की जो खासियत है वो ध्यानी से दिया गया है। तो नंबर वन देखिए, हिंदुस्तान की काश्तकारी एक गुजर बसर करने वाली काश्तकारी है। मतलब यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करके अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं, तो इसलिए ये गुजर बसर करने वाली खेती है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की ज़्यादातर लोग रोज़गार के लिए काश्तकारी पर मुनसर करते हैं। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग जो है आबादी ज़्यादा होने की वजह से दूसरे लेवल पर काम नहीं मिलते, इसलिए यहाँ के लोग रोज़गार हासिल करने के लिए ज़्यादातर जो है खेती बाड़ी पर मुनसर करते डिपेंड करते हैं। थर्ड वन देखिए, हिंदुस्तान में मानसूनी हवा से बारिश होती है, इसलिए हिंदुस्तान की ज़राअत मानसून पर मुनसर करती है। और हिंदुस्तान में हम लोग जानते हैं मानसूनी आबोहवा है और मानसूनी हवाओं से बारिश होती है, इसलिए यहाँ की जो खेती बाड़ी है ज़राअत जो है वह मानसून पर मुनसर करते हैं। मानसून के हिसाब से ही कब बारिश होती है उसके हिसाब से ही खेती बाड़ी की जाती है। फोर्थ, हिंदुस्तान की ज़्यादातर किसान खेती के कामों में मवेशी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग जो है किसान जो है खेती बाड़ी के कामों में मवेशियों का मतलब जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल जोतने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए मवेशी का इस्तेमाल करते हैं। उसका फिफ्थ वन देखिए, हिंदुस्तान में मानसून की वजह से गैर मुमकिन बारिश होती है, इसलिए काश्तकारी में आबपाशी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में मानसूनी हवा से बारिश होती है और ये गैर मुमकिन है, मतलब सही टाइम पर जो है बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी में आबपाशी जो है का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्स्थ वन, हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा होने की वजह से खेत छोटी छोटी होती है। तो हिंदुस्तान में हर साल देखते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा आबादी में इजाफा होता है, तो आबादी में ज़्यादा इजाफा होने की वजह से यहाँ की खेत जो है खानदान बढ़ते जाते हैं, इससे बंटवार होते होते जो है खेत छोटी छोटी होती है। तो ये बहुत बड़ी खसूसियत है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सेवन्थ नंबर देखिए, हिंदुस्तान में गर्म आबोहवा होने से यहाँ फसलों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए बेहतियासा कीड़े मारने वाली दवा और खादों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में आबोहवा गर्म होने की वजह से खेत में जो है कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ के किसान लोग खेतों को अच्छी तरह से उगाने के लिए, अच्छी तरह से मुनाफा कमाने के लिए और उसको अच्छी तरह उगाने के लिए यहाँ के लोग किसान लोग जो है ज़्यादातर कीड़ों को मारने वाले दवाई इस्तेमाल करते हैं, मतलब जरासीम का दवाई, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं,
कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड और घास घास को मारने के लिए हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और खादों का इस्तेमाल मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हयाती खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट वन देखिए, एट नंबर, हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा होने की वजह से गजाए फसलों को ज़्यादा उगाया जाता है। तो देखिए हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा होने की वजह से, तो यहाँ पर इसलिए इतने बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए यहाँ के किसान लोग ज़्यादातर जो है गजाए फसल उगाते हैं, मतलब जो फसल हम लोग ज़्यादातर खाने के इस्तेमाल करते हैं, जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, मकई हुआ, ये सब जो है ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 8 पॉइंट लिखा हूँ, तो आप लोगों को इतना तो याद नहीं रखना है। ये क्लास 10 में जो है वेस्ट बंगाल के जो ज्योग्राफी है क्लास 10 में, तो ज़्यादातर बड़े 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का। तो इसमें देखिए तो 5 में से कम से 5 पॉइंट तो लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं 8 पॉइंट को लिखा हूँ, तो आप लोग देखिए इसमें बता सकते हैं। तो इसमें से कम 5 पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। तो देखिए मैं 8 पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ यहाँ पर, तो इनमें से अगर और कुछ पॉइंट होता है आप लोगों के समझ में आती है तो आप लोग कमेंट कर जरूर बता सकते हैं कि क्या पॉइंट हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बार बार आप लोग को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और वीडियो कैसे लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।